नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित जलधारी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये 2 अक्टूबर की रात 11:11 पे मैं इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ा हूं। और ये जो आप नया नवेला जो इसका रैक देख रहे हैं LHB का, ये इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस का रैक है। ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी हुई है और कुछ ही देर में ये पहले सफ़र पर रवाना होगा रेक हावड़ा के लिए। ये स्लीपर श्रेणी के कोच हैं। आइए मैं आपको आगे जो AC श्रेणी के कोच हैं उनका भी आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये भी स्लीपर श्रेणी का कोच है। आप देख सकते हैं ये 2021 में बने कोच हैं। आइए आपको स्लीपर श्रेणी का कोच में अंदर से दिखाया था, बहुत बढ़िया रोशनी है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ है लेकिन LED लाइट की जो रोशनी है वो काफ़ी बेहतर, पूरा जगमगा रहा है पूरा कोच, आप देख सकते हैं। ट्रेन की जो खचा खच भरी हुई है। आइए आगे चलते हैं। ये 3rd AC का कोच है। ठीक 15 मिनट बाद ये ट्रेन इंदौर से रवाना होगा। काफ़ी रश है, आप देख सकते हैं। विंडोज काफ़ी अच्छी है, बहुत क्लीन है। सही व्यवस्था बना रही। अब आपको मैं 3rd AC कोच का बता रहा हूँ। दो लोग से एडजस्ट कर लेते वहाँ पर, इस कोच की कूलिंग भी काफी बेहतर है। फर्स्ट टाइम ये LHB रैक से चल रही ट्रेन, और ये LHB 5 रैक जो है ये 130 km/h की गति से ये दौड़ सकता है। और 2 अक्टूबर को इंदौर से और 4 अक्टूबर से ये कोच, ये जो रैक है ये हावड़ा से चलने लगेगा। और अब तक ये कन्वेंशनल रैक से चलती थी ट्रेन। टोटल 6 कोच हैं AC के, जिसमें कि एक AC 2 टीयर है। और बाकी सब 3rd AC के कोच हैं। ये फर्स्ट LHB रन है शिप्रा का। पहली बार ये ट्रेन नए नवेले कोचेस के साथ LHB फाइट ये इंदौर से रवाना हो रही है।
ये देखिए ये सेकंड एसी कोच है A1। और अब हम आपको लोको के पास ले चलते हैं। ये दीनदयालु कोच यानी जर्नल कंपेरेटिवली ढेर कम है। ये लगेज एंड ब्रेक कार, उसके बाद में इसका लोको है वेब 7। सिर्फ कुछ मिनटों बाद ये इंजन है ये रवाना होगा इस ट्रेन को लेके, बस केवल हरी लाइट होने का इंतजार है। पायलट पूरा जांच रहे हैं इंजन को। दोस्तों कुछ लोगों का ये आग्रह था कि मैं इसको कवर करूं, जो पहला डिपार्चर है LHB का। थैंक यू वेरी मच।